Okay, so let us start today with a new concept of sum. On 1st January 2014, Mahalakshmi Transport Limited purchased a truck, this is the asset, from HMD Limited. Okay, so this person is the higher purchaser, HMD is the higher vendor or seller, truck is the asset. The cash price of the truck was how much? 5,96,000. So ये cost price है truck का और 1,60,000 आपने pay किया on the date of purchase. मतलब ये आपका down payment है. Okay, so this 1,60,000 is your down payment. And the balance you have paid in 3 installments. So number of installments are 3. और कितना है एक installment 1,60,000 का which you are paying on 31st December. Every year, okay, and interest element is how much? 5% per annum. Depreciation kitna bola hai? 10% on the reducing balance method. Okay, fine. So what are you supposed to prepare? You have to prepare accounts in the books of Mahalakshmi Transport. Which account? First vendor account, then truck account, then interest account, and then depreciation account. Pucha hai. ठीक है क्वेश्चन समझ में आया सबको इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग ये तो रेगुलर सम है हमने तो ऐसा सम किया हुआ है ऑलरेडी तो इसमें अलग क्या है व्हेन यू विल मेक द इंटरेस्ट टेबल ना दैट टाइम यू विल कम टू नो हाउ द सम इज डिफरेंट ओके So let us start with the interest table. So just prepare this interest table. Okay. Prepare this interest table. Yeah. So calculation of interest. Opening cash price 5,96,000. Down payment 1,60,000. First January 2014 को interest calculate नहीं होगा वो तो year end पे होगा right? तो my cash price is 1,60,000 minus 0, 1,60,000. And my closing cash price is 5,96,000 minus 1,60,000. Step 1 minus step 4, 4,36,000. So this 4,36,000 is now opening cash price for me. तो ये मेरा outstanding amount है कितना 4,36,000. ये 4,36,000 पे I will pay interest 5%, which is 21,800. Okay? 21,800. ठीक है सो इंस्टॉलमेंट इज 1,60,000 उसमें से 21,800 आई हैव पेड तो 1,38,200 इज माई कैश प्राइस एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग वैल्यू तो 2,97,800 अभी मेरा बाकी है देना दिस इज माई अनपेड अमाउंट नाउ सो दिस अनपेड विल नाउ बिकम योर ओपनिंग कैश प्राइस ओके सो अब मेरा 2015 का जो इंटरेस्ट है वो इस पे कैलकुलेट होगा 14,890 इज माय इंटरेस्ट ओके 14,890 So my cash price is now 1,45,110. $1,52,960. Now this is my outstanding value. So this outstanding will now become your opening. Okay. Up mera now see the last step. Huh? Students, the last step is very, very important. Okay.
तो 1,52,690 का 5% इज हाउ मच? 5,634.5, दैट इज 5,635. ओके, सो मेरा इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 5,635. ओके, बट मेरा, ओके, 5,635. अभी देखो, अगर मैं 1,60,000, जस्ट रीडूइंग दिस स्टेप, -5,635, 1,60,000 -5,635, सॉरी 7,635, 7,635 इज हाउ मच? 1,52,365. ठीक है, और इधर कितना आंसर है? 1,52,960. बट ये और ये माइनस करेंगे तो आंसर जीरो होना चाहिए, बट जीरो नहीं होगा, ऑब्वियसली आंसर जीरो नहीं होगा. 595 का डिफरेंस आ रहा है. ओके, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 595 रुपीज. ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग द लास्ट स्टेप, दैट टाइम यू विल कम टू नो कि ये जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं हो रहा है, 595 का डिफरेंस आ रहा है. ओके, देन व्हाट यू शुड डू, जस्ट लुक हियर व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है? 1,60,000 है, और कितने साल का है? 3 ईयर्स का है. मेरा आंसर कितना है? 4,80,000 बराबर. ओके, और इसके साथ मैंने एक डाउन पेमेंट भी किया है, कितने का? 1,60,000 का. ऐड करो दोनों को, 1,60,000 प्लस 4,80,000 इज हाउ मच? 6,40,000. ओके, 6,40,000. बट व्हाट इज द कैश प्राइस? कैश प्राइस इज हाउ मच? 5,96,000. हाँ, तो 6,40,000 -5,96,000 विच इज द कैश प्राइस ऑफ द एसेट. एसेट का कीमत कितना है? 5,96,000. आपको कितने में पड़ रहा है? 6,40,000 में. क्यों? क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद ले रहे हो. यू आर टेकिंग इट ऑन अ ईएमआई बेसिस, यू आर नॉट मेकिंग फुल कैश पेमेंट. अगर आप फुल कैश दे के लोगे तो आपको 5,96,000 में वो एसेट पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप उसको हायर परचेज सिस्टम में ले रहे हो तो आपके जेब से इंटरेस्ट एलिमेंट भी जाएगा, राइट? या तो ये जो डिफरेंस है जो आप ज़्यादा दे रहे हो, 44,000 रुपीज़ का, दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज योर इंटरेस्ट. और इसमें से यू हैव ऑलरेडी पेड 21,800, इसमें से यू हैव ऑलरेडी पेड 4,890. ये देखो, यू हैव ऑलरेडी पेड दिस. ओके, इंटरेस्ट तो जो बच गया -14,890, तो कितना बचा? हाउ मच इज लेफ्ट? 7,310. सो दिस इज हाउ यू गेट दिस आंसर. एम आई क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? डिफरेंस इन इंटरेस्ट, यू विल कम टू नो ऑल दिस ओनली व्हेन यू आर डूइंग द लास्ट स्टेप. पहले से आपको नहीं मालूम पड़ेगा, ओनली व्हेन यू आर डूइंग द लास्ट स्टेप, दैट टाइम यू विल कम टू नो. ओके, क्लियर? जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द रीजन आई टुक अप दिस सम. ऑब्वियसली I haven't done this aspect earlier. Okay, so make a note of this. I'm writing here the working note. I mean, I'm just. Installment plus down payment. Installment is 1,60,000 into 3 times you are paying, and down payment is how much? 1,60,000. Coincidentally, down payment or is same. So this is 4,80,000 plus 1,60,000. Okay, so that makes it to 6,40,000.
ठीक है, ये मेरा हायर परचेस प्राइस है और हायर परचेस प्राइस 6,40,000 में से कैश प्राइस कम कर दो 5,96,000, तो जो बच गया दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आया मेरा आंसर 44,000। ओके, जिसमें से फर्स्ट ईयर में आई हैव ऑलरेडी पेड 21,800 इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में आई हैव ऑलरेडी पेड 14,890 एंड इन द थर्ड ईयर जो भी डिफरेंस है वो मेरा इंटरेस्ट 7,310। वेरी इम्पोर्टेंट दिस एस्पेक्ट, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, ओके फाइन, थैंक्स भूमि। ओके, वंस यू आर डन विद दिस देन कम टू कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। याद रखना ये निल होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, ये कैसे मिला, आई ऑलरेडी रन इट हियर, ठीक है। देन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करो, कैश प्राइस इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ द एसेट। $5,96,000, उसका 10% डेप्रिसिएशन, और वो भी WDV मेथड बोला है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। $5,96,000 का 10% सब्ट्रैक्टेड, दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग एंड देन यू विल कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन दिस 53,640। $4,82,760, this is your closing WDV which will become opening, and then you will calculate 10% depreciation on this in the last year, $48,276. $4,34,484. Okay. And now coming on to journal entries. Okay, journal entries in the books of the purchaser, Mahalakshmi Transport. So these are your 7 steps. First, transferring possession of goods, then down payment entry, then interest due, installment paid, depreciation charged, then close depreciation, and then step 3 ko close karna hai, interest ko close karna hai, close interest. Okay, out of this, transferring possession of goods and down payment will be always on the first date, right na? So first 2014 truck is purchased, right? So asset account debit to seller, so truck account debit to HMT, 5,96,000. Okay, this entry will not be there in the subsequent years, in the second and the third year, 31/12/2015 and 31/12/2016. Then down payment ka entry. डाउन पेमेंट इज ऑलवेज डन एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस दिन तुमने पोजेशन लिया अज्यूम करने का उसी दिन डाउन पेमेंट लिया ऑब्वियसली। देन डाउन पेमेंट सेलर अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस एंट्री विल ऑल्सो बी देयर ओनली इन द फर्स्ट ईयर,
second and third year mein it will not be there. Okay, so I put a dash. Then interest charge ka entry. Yeah, interest will obviously will be charged in all the 3 years. All the 3 years you will be charging interest. Only the date and the amount will change. Baki journal entry to same. Interest is an expense to debit. Interest to HMT. 31st 12, 2014, 15, 16 respectively. Okay? Aur figures aapko kahan se milega? From the table. First table. Working note number 1. Okay? Then installment. Obviously, this entry will also come in all the 3 years. And 1,60,000 is the amount for every year. And it will be paid at the year end. 31st 12, 2014, 15, 16 respectively. Then depreciation charging we just did in working note number 2. Depreciation will also be charged at the year end. 2014, 15, 16 respectively. Okay. And journal entry is depreciation to truck. And we have just calculated the values. 59,600, 53,640 and 48,276. Once you charge depreciation, simultaneously close depreciation with the same dates and amount. Okay. You have to close depreciation with the same date and amount. Okay. Same way, you have to close interest with the same date and amount. So, what is this part clear to everyone? The first step, transferring possession of goods and down payment. This entry will be there only in the first year, not in the subsequent years. Then interest due, installment, depreciation, then closing depreciation and closing interest. Only these entries 3, 4, 5, 6, 7 will be repeating in the subsequent years also. Okay. So am I clear about this? Okay, fine. Thank you, students. Okay. Now, after this, you have to post this journal entries into their respective ledger accounts. Okay. So, how many ledgers are expected here in the books of the purchaser? 4 ledgers are expected as per the question. Okay. Yeah. See, there is not a lot of, rework here because once you are done with your working note number 1, that is calculation of interest table, and once you are done with your working note number 2, calculation of depreciation, then your job is done. 70% of your job is done. Okay? Rest, what you have to do, you just have to transfer the journal entries and post them into the respective ledgers with the values given in the table 1 and table 2, that is working note number 1 and working note number 2. Okay. Now comes, you have to prepare in the books of purchaser these entries. Higher purchaser, who's the higher purchaser here? Mahalakshmi Transport Limited. Which account you will make first? The truck account. Okay. Yeah. So which entry will be passed here? Pehla wala entry. Entry number 1. Step number 1. Step number 5 and 6. Okay? Bhulna nahi. Pehla, jab tum possession le rahe ho goods ka. Okay? You are taking possession of the goods and then you are charging depreciation. Okay? And difference will be the balancing figure, which is your WDV as per working note number 2. See here. I'll take you to the working note. See here. This is your WDV. Okay, so ye first year ka balance hai, second year or third year respectively. Okay, so this is your balance. Date obviously will be 31st 12
ठीक है। फिर ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग बन जाएगा ऑब्वियसली, यस। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, अगेन गो विद द सेम फ्लो, यू विल गेट बैलेंसिंग फिगर। ओके, डेट विल बी ऑब्वियसली 31/12/2015, दिस क्लोजिंग विल बिकम योर ओपनिंग। ओके, अगेन यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन, अगेन देर विल बी अ बैलेंस एंड ऑल दिस बैलेंस विल मैच विद योर वर्किंग नोट नंबर 2, 31st 12 2016, this is also 12. This is 31st 12, okay, not 31st March. Using the PR one. Fine. Then come to the seller account. इसका भी बैलेंस आपको मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 1 से। देखो ये रहा आपके बैलेंसेस, ये रहा, ये दिख रहा है, ये देखो, दीज आर योर बैलेंसेस 2,97,800, 1,52,960 और लास्ट में जीरो, मतलब लास्ट ईयर का लेजर टैली होगा। ओके, या सो विद जर्नल एंट्रीज विल कम योर ऑब्वियसली, जर्नल एंट्री नंबर 1, ये रहा जर्नल एंट्री नंबर 1, जर्नल एंट्री नंबर 2 डाउन पेमेंट, जर्नल एंट्री नंबर 3 इंस्टॉलमेंट, जर्नल एंट्री नंबर या दिस इंटरेस्ट, लाइक दिस। ओके, तो पहला क्या था, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या था, transferring possession of goods, next journal entry was down payment, then was interest and then was in what you call installment, aage piche tha na, I'll do that, okay, so don't forget these minute details and then you have to close this ledger, you get a balance, see I showed you the balance from working note number 1, okay, this closing will become your opening, okay, yeah. फिर वही steps repeat होंगे 3, 4, 5, 6, 7 वाले, ओके, अगेन मेरा बैलेंस योर क्लोजिंग बैलेंस, दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग फॉर द थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर में तो आपका लेजर टैली होगा बिकॉज थर्ड ईयर में आपका बैलेंस उधर जीरो है, फुल पेमेंट आप करने वाले हो, नथिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, देन कम्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए क्या है, जर्नल एंट्री नंबर 3 and 7, चार्ज इंटरेस्ट एंड क्लोज इंटरेस्ट, ठीक है, चार्ज इंटरेस्ट क्लोज इंटरेस्ट, तो सी इंटरेस्ट अकाउंट विल ऑल्सो टैली फॉर ऑल द 3 years, 7310, 7310, क्लियर,
दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. ओके एंड लास्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन के लिए क्या है, जर्नल एंट्री नंबर 5 and 6. ओके, चार्ज डेप्रिसिएशन एंड क्लोज डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स भी टैली होंगे ऑब्वियसली. सो आई एम जस्ट शोइंग इट विद डबल अंडरलाइन सो दैट यू अंडरस्टैंड द अदर टैली फिगर्स. ओके, मैं यहाँ भी अगर डबल अंडरलाइन कर दूँ तो समझ जाना दिस इज टैलीड. सेम फॉर योर इट्स टैलीड. आई कैन शो इट लाइक दिस, डबल अंडरलाइनिंग द अमाउंट सो यू विल अंडरस्टैंड इट्स अ टैली अमाउंट. You don't need, you need not write the total again, you just double underline that value, that's it, it's understood. ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ओके, so we made our asset account, we made a seller's account, and you know how does these entries come here, you just have to post them in your journal entries or 7 steps into their respective ledger accounts as per their respective years. ठीक है, हाँ वो भी important है, as per respective years. ठीक है, और last में बनेगा आपका balance sheet extract. ठीक है, balance sheet extract, it is just a presentation purpose. Okay, fixed assets, truck, ₹5,96,000. ये देखो till year ना, till WDV, यहां से लेके यहां तक, this is nothing but your working note number 2 depreciation वाला. Okay, सही. वही मैं आपको बोल रही हूँ, देर आर मेनी रिपीटेड थिंग्स इन दिस सम, आई मीन इन दिस चैप्टर व्हेन यू आर सॉल्विंग द सम्स, नो देर आर मेनी रिपीटेड स्टेप्स, यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट देम, सो वो फिगर्स बदलते जाएंगे. ओके, पूरा आपका वर्किंग नोट नंबर 2 है, ये आपका बैलेंस शीट. फिर उसमें लास्ट स्टेप लेस बैलेंस इन सेलर्स अकाउंट. सेलर अकाउंट का बैलेंस तो वी नो, I'll take you to the seller account. Here, 2,97,800, 1,52,690, and 1,00,000. Last wala to tally ho raha hai na, to zero, nil. Okay? Samaj mein aaya, everyone? Is this clear to everyone? Is the chapter clear to everyone? Okay. Now, journal entries and ledgers in the books of seller, okay, that will be a part of your assignment. Wo aap log karna, that you do it as practice. We have already done in the earlier sums, we have already done from both the point of view, from the point of view of seller also and purchaser also. Okay, so this time in this sum I have solved it from the perspective of purchaser. The same sum you guys solve it from the perspective of the seller. Okay, practice at that.